तो आ गया एक और नई वीडियो के साथ वापिस। तो गाइज आज के वीडियो में हम बात करने वाले किस तरह से आप जो है फेसबुक पेज को क्रिएट कर सकते हो। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से आप जो फेसबुक पेज को क्रिएट करके वहाँ से लाखों रुपया कमा सकते हो। तो गाइज ये सारी प्रोसेस आप जो अपने मोबाइल से भी फॉलो कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर देना। तो जैसे गाइज आप जो अपने पी सी या लैपटॉप में फेसबुक को ओपन करोगे, यहाँ पर आपको एक ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट का। बट गाइज अभी मैं आपको जो मोबाइल के स्क्रीन पे बता देता हूँ कि आप अगर मोबाइल में फेसबुक को ओपन करोगे तो ये आपका ऑप्शन है कहाँ देखने को मिलेगा। तो गाइस जैसे आप जो मोबाइल में फेसबुक को ओपन करोगे, यहाँ पर आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जो आगे सेम इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो जैसे गाइस आपको पेज वाला ऑप्शन मिल जाएगा तो इसके आगे जो भी प्रोसेस मैं वीडियो में बताने वाला हूँ सेम प्रोसेस आप जो मोबाइल से भी फॉलो कर सकते हो। तो आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पर आ जाना है, उसके बाद आपको पेजेस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप पेजेस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, पहला होगा बिजनेस और ब्रांड और दूसरा है कम्युनिटी और पब्लिक फिगर का। तो बिजनेस और ब्रांड में दोस्तों आप जो कुछ भी चीज़ों को सेल कर सकते हो। अगर आपको कुछ चीज़ें सेल करना है फेसबुक पे तो आपको जो बिजनेस या ब्रांड अकाउंट बनाना होता है, या अगर आप कोई भी ब्रांड अकाउंट बनाना चाहते हो फेसबुक पर अपनी कंपनी के लिए तो आपको जो बिजनेस या ब्रांड अकाउंट पर क्लिक करना होगा। बट यहाँ पर हम जो पब्लिक अकाउंट बनाना चाहते हैं यानी पब्लिक पेज बनाना चाहते हैं तो आपको जो सेकंड वाला ऑप्शन है कम्युनिटी और पब्लिक फिगर, इसके नीचे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पेज नेम का। तो जो भी आप जो है अपने पेज का नेम डालना चाहते हो तो यहाँ पर आप डाल सकते हो। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आपका यूट्यूब चैनल के नाम से भी आप जो है पेज बना सकते हो। तो चलिए मैं जो अपने यूट्यूब चैनल के नाम से यहाँ पर फेसबुक पर एक पेज बना लेता हूँ। तो गाइस नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कैटेगरी का। तो कैटेगरी में फिलहाल दोस्तों आपको यहाँ पर जो है सिर्फ कुछ भी नहीं टाइप करना है, यहाँ पर आपको नॉट ए बिजनेस लिख देना है बस। इसके आगे हमें एक और ऑप्शन मिलेगा कैटेगरी सेलेक्ट करने का, तो वहाँ पे हम जो अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस जो लास्ट वाला ऑप्शन है नॉट अ बिजनेस, आपको इस पर सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप इस पर सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा एड्रेस का। तो यहाँ पे गाइस जरूरी नहीं है कि आप अपना पूरा कंपलसरी पूरा एड्रेस डालो, यहाँ पे आप जो कुछ भी एड्रेस डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एड्रेस में सिर्फ मुंबई लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं पूरा एड्रेस नहीं डालना चाहता। अगर आप पूरा एड्रेस डालना चाहते हो तो यहाँ पर आप जो अपना पूरा एड्रेस भी डाल सकते हो। उसके नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको जो है सिटी का नाम मिलता है, तो आपकी जो भी सिटी है आप जो अपनी सिटी का नाम यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं सिटी का नाम, मेरी जो भी सिटी का नाम है मैं लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पोस्ट कोड का। तो हर एरिया का पोस्ट कोड जो है अलग अलग होता है, तो यहाँ पर आप जो अपना पोस्ट कोड को बराबर से डाल देना। तो चलिए मैं सिटी में भी जो मुंबई महाराष्ट्र को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है फोन नंबर का, जो कि ऑप्शनल है। अगर आप अपने पेज पर फोन नंबर डालना चाहते हो तो यहाँ पर जो फोन नंबर को भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पे नीचे आपको एक चेक बॉक्स मिल जाता है, अगर आप अपना जो एड्रेस है वो शो नहीं करना चाहते पब्लिक को तो यहाँ पर आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का। तो अगर आप यहाँ पे पब्लिक को अपना एड्रेस शो कराना चाहते हो तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं करना है। अगर आप अपना एड्रेस जो है पब्लिक को शो नहीं कराना चाहते तो आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। गाइस जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आप लोगों के सामने जो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलता है स्किप, यहाँ पर गाइस आपको जो स्किप वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप जो स्किप वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे वापस से यहाँ पे थोड़ा सा बफरिंग होगा और आपके सामने जो आपका फेसबुक पेज जो आपने क्रिएट किया था वो ओपन हो जाएगा। बट गाइस अभी यहाँ पर हमारा पूरा प्रोसेस जो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके आगे भी बहुत सारी ऐसी सेटिंग होती है जो करना हमें कंपलसरी होता है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा इस तरह का पेज जो है ओपन हो चुका है। यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन आया तो मैं इस नोटिफिकेशन को हटा देता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका जो राउंड बनाए यहाँ पर आप जो अपना लोगो लगा सकते हो, और लोगों के पास में आपको एक ऑप्शन मिलता है प्लस वाले आइकन का। जैसे आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने जो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ पर आप जो वीडियोस वगैरह को अपलोड कर सकते हो, कोई फोटो को अपलोड कर सकते हो अपने पेज पे। फिलहाल हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पर आपको जो लोगो है लोगो के नीचे देख सकते हो यहाँ पर लिखा है अपडेट। तो जैसे आप जो अपडेट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो अपने पेज क्रिएट किया है यहाँ पर आप जो अपने पेज के लिए लोगो भी बना सकते हो। तो अगर आपने लोगो बना रखा है तो यहाँ पर आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप पी सी या लैपटॉप का यूज़ कर रहे हो तो आपके जो भी फोल्डर होंगे वो सारे फोल्डर ओपन हो जाएंगे। अगर आप मोबाइल का यूज़ करो तो डायरेक्टली आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप जो चैनल आर्ट भी लगा सकते हो, यानी जो फेसबुक का बैनर होता है वो बैनर लगा सकते हो। उसके बाद अगर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है क्रिएट पोस्ट का, जहाँ पर आप जो अपने फेसबुक पेज पे वीडियो या पोस्ट को अपलोड कर सकते हो। तो वीडियो पोस्ट को अपलोड करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा पोस्ट और पोस्ट स्लैश वीडियो का, आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप जो है कोई भी वीडियो या फोटो को अपलोड कर सकते हो। उसके बाद गाइस आपको ऊपर ऑप्शन मिलता है एडिट पेज इन्फो का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने ये सारी जो सेटिंग है वो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपको नीचे ऑप्शन मिलता है डिस्क्रिप्शन का, तो डिस्क्रिप्शन में जो भी आपका पेज का कंटेंट है, जैसे मेरा पेज पर मैं जो है टेक्निकल मतलब मेरे टेक यूट्यूबर चैनल है, तो मेरे टेक चैनल के लिए जो है फेसबुक पेज बनाया है। तो यहाँ पे मतलब मैं जो टेक के रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगी जो भी पोस्ट होंगी शेयर करूँगा। तो यहाँ पे आपके जो भी
आपने फेसबुक पेज बनाया जिस भी कैटेगरी में, तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको लिख देना है कि वो पेज जो है किस कैटेगरी का है, आप किस तरह का कंटेंट वहाँ पे अपलोड करोगे। उसके बाद नीचे सेव चेंज पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था आपको कैटेगरी वहाँ पे चूज़ नहीं करनी है, यहाँ पर अभी आपको जो कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो फेसबुक पेज में बना रहा हूँ वो टेक कैटेगरी में बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने जैसे टेक सिलेक्ट किया तो यहाँ पर मुझे आ रहा है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, तो ये सारे जो है मेरी कैटेगरी के अंडर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर जो इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं वापस से टेक सर्च करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक और कैटेगरी मिल रही है, तो मैं इसे भी सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है सेव चेंज का, तो आपको डायरेक्टली सेव चेंज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस अगर देखोगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कंटेंट का, जहाँ पर आप कॉन्टैक्ट का, जहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है फोन नंबर का, तो अगर आप फोन नंबर डालना चाहते हो तो फोन नंबर डाल सकते हो, वरना नीचे आपको ऑप्शन मिलता है माय पेज डजंट हैव अ फोन नंबर, मतलब आपके पास कोई फोन नंबर नहीं है, आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करके सेव चेंज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस अगर कोई भी वेबसाइट है तो यहाँ पे आप जो वेबसाइट को डाल सकते हो, यहाँ पे आप जो अपने यूट्यूब चैनल के लिंक को भी डाल सकते हो। तो मेरी यहाँ पे दोस्तों एक जो ब्लॉगर पे वेबसाइट है, अगर अभी तक आपने विजिट नहीं किया है मेरी वेबसाइट को तो जाके विजिट कर लेना, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो यहाँ पे मैंने अपने वेबसाइट के लिंक दे दिए और नीचे सेव चेंज पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद गाइस उसके नीचे आपको ऑप्शन मिलता है ईमेल एड्रेस का, तो अगर आप ईमेल एड्रेस भी शो नहीं करना चाहते हो अपने जो पब्लिक आपके जो भी ग्रुप मेंबर है उन लोगों को, तो यहाँ पर आपको नीचे चेकबॉक्स मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। बट फिलहाल अगर कोई भी क्वेश्चन होता है मेरे जो भी ग्रुप मेंबर है उनके लिए यहाँ पर मुझे ईमेल आईडी ऐड कर देता हूँ, ताकि कुछ भी क्वेश्चन होगा तो डायरेक्टली मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल आईडी ऐड कर दी है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है सेव चेंजेस का, तो आपको सेव चेंज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपको नीचे ऑप्शन मिलता है लोकेशन का, तो लोकेशन में आओगे तो जहाँ पर भी आपने ऊपर लोकेशन डाला था, सिटी डाली थी, पोस्ट कोड डाला था, वो सारी लोकेशन आपको जो मैप में दिखाई जाएगी। उसके बाद अगर चाहते हो कि आपके जो लोकेशन है वो किसी को भी शेयर ना हो, तो यहाँ पर आपको जो है इस बॉक्स पे क्लिक नहीं करना है, यानी इस चेक बॉक्स को ऐसे ही रहने देना है, अनटिक रहने देना है। उसके बाद गाइस अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे अगर आपको जो आपकी लोकेशन शेयर नहीं करनी तो आपको इसे जो अनटिक ही रहने देना है। उसके बाद गाइस नीचे आपको ऑप्शन मिलता है सर्विस एरिया, तो यहाँ पे आप जो अपने आसपास का जो भी एरिया है, जो भी लोकेटेड एरिया है, जैसे पवई में, मुंबई में एक एरिया आता है पवई जहाँ पर मैं रहता हूँ, तो वहाँ पर आपको जो अपने आसपास के एरिया का नाम डाल देना है। उसके बाद आपको सेव चेंज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपको नीचे ऑप्शन मिलता है हावर्स का, मतलब आपका जो फेसबुक पेज है वो कब कब ओपन रहता है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यहाँ पर आप जो टाइम को सिलेक्ट कर सकते हो, वरना मैं जो इसे अलवाज ओपन रख देता हूँ। उसके बाद आपको जो सेव चेंज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस नीचे भी आपको ऑप्शन मिलता है जैसे प्राइवेसी पॉलिसी का, तो यहाँ पर आप जो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लिख सकते हो कि आप जो ग्रुप बना रहे हो उस ग्रुप में आपको क्या चीज़ें नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग जो ग्रुप में कुछ भी वीडियो शेयर करते हैं, तो आप जो यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अगर आप जैसी सेटिंग वाले ऑप्शन पर आ जाओगे तो यहाँ पर आपकी सारी सेटिंग जो है डायरेक्टली इनेबल हो जाएगी, यानी हम जो जो सेटिंग ऐड की थी, जो जो टेक्स्ट ऐड किए थे, वो सारे यहाँ पर जो है ऐड हो चुके हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर अगर देखो तो ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है एडिट पेज इन्फो और सेटिंग का, तो सेटिंग वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, आप जो उन सभी पे जाके जो है अलग अलग सेटिंग को इनेबल कर सकते हो। उसके बाद गाइस जैसे आप जो अपने होम वाले सेक्शन पे आ जाओगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो आपका पेज दिखाया जाएगा, अब जैसे यहाँ पे आप जो है अपने बैनर लगा दोगे, यानी फेसबुक बैनर लगा दोगे, उसके बाद आपके बैनर का लोगो लगा दोगे, फेसबुक पेज का लोगो लगा दोगे, तो आपका जो है ये फेसबुक पेज क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जब भी आप इस पेज पे कोई फोटो या वीडियो को अपलोड करना चाहते हो तो नीचे आपका ऑप्शन मिल जाएगा photo/video का, आपको उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपकी डायरेक्टली जो गैलरी ओपन हो जाएगी और वहाँ से आप जो कोई भी फोटो या वीडियो को फेसबुक पेज पर अपलोड कर सकते हो। और गाइस इससे पैसे कैसे कमाना है इसके ऊपर मैं जो अगला वीडियो लाने वाला हूँ, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो फेसबुक पे पैसे कमाने के गाइस ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसके बारे में मुझे अगले वीडियो में बात करने वाले, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।